नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग चैनल पर नए हैं, पहले सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए ताकि आप लोगों को ज्योतिष के प्रति अच्छी अच्छी जानकारियां मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहती हूँ, जो लोग अपने हैंड का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपको अपने दोनों हाथों का फ़ोटो खींच करके, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हाथों का फ़ोटो खींच करके आपको जो है स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, इस नंबर पे आपको भेजना है। इस व्हाट्सअप नंबर भी है और ये अपॉइंटमेंट नंबर भी है। आप लोग अपॉइंटमेंट लेकर के दोनों हाथों का फोटो आपको भेजना पड़ेगा, फिर आपका एनालिसिस करके आपके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। और हैंड एनालिसिस वीडियो चार्जेस जो फीस है, अगर वीडियो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो हैंड एनालिसिस वीडियो चार्जेस फीस 1500 रुपये है, ठीक है। हमारे यहाँ पेड सर्विस है, हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं है, इसलिए मैं पहले बता देना चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से। अगर आप जब चाहेंगे कि आपकी वीडियो यूट्यूब पर डाली जाए तभी आपकी वीडियो को यूट्यूब पर डाला जाएगा, अगर आप कहेंगे कि वीडियो का आप यूट्यूब में मत डालिए तो आपकी वीडियो नहीं डाली जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के विषय स्टार्ट करती हूँ। ऐसा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, दी गई जानकारी आप लोग समझ गए होंगे। जो कुछ भी आपके माइंड में इंक्वायरीज होती है इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कॉमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखा करिए और इसको देखने के बाद में आप लोगों को शेयर ज़रूर करिए ताकि आपको ज्योतिष के अगले व्यक्ति को भी भारत की जो गुप्त राज विद्या है उसकी जानकारी मिल सके, ठीक है। तो चलिए आज के इसे स्टार्ट करती हूँ मैं। जैसा कि मैं इस पाम में पहले सबसे मैं देख रही हूँ कि ये जो पाम है इनका स्क्वायरिस पाम है बिल्कुल, और बहुत अच्छी पोजीशन पर रेखाएं भी मेरे को दिख रही हैं, बट लेकिन निगेटिव फीडबैक भी है इनकी रेखाओं में। सारी चर्चा करूँगी, बताती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर जिस तरीके से इनकी फिंगर देख रही हूँ, फिंगर काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हैं और लॉन्ग हैं इनकी, जो फिंगर का जो साइज़ है, उंगलियाँ हैं बिल्कुल पतली सी हैं और लंबी है, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों फिंगर इन्होंने आधी फ़ोटो कट करके भेजी है, पूरी ऊपर की उंगलियों का साइज़ इन्होंने नहीं भेजा है इन्होंने अपनी फ़ोटो में, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ इनकी फिंगर काफ़ी ज़्यादा सोचती काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सोचते भी हैं और बहुत ज़्यादा जो है कामुक स्वभाव के भी रहते हैं और अधिक से ज़्यादा लोगों की तरफ अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, लोग भी इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी जो बुद्ध की जो फिंगर है बहुत अच्छा है, इनका कम्युनिकेशन होगा, बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि दूसरे को सामने वाले पर्सन को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐसे लोग अपनी वाणी से ही अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस तरीके से अंगूठे का जो साइज़ है, अंगूठा इनका ऐसे चल के यू बैंड हो रहा है, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। पाम इन्होंने जिस तरीके से ओपन किया है और भेजा है मुझे, जिस तरीके से इनकी इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति इनकी स्ट्रांग तो रहती है लेकिन निगेटिव विचार इनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा आता है ऐसे जातकों के मन में, और काफ़ी ज़्यादा जो उलझने भी रहती हैं दिमाग में क्योंकि काफ़ी सारी रेखाएँ हैं यहाँ पर जो कि अंगूठे में काट रही हैं, छोटी छोटी रेखाएँ हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, मैं ड्रॉ करके दिखाऊँगी। ये छोटी छोटी रेखाएँ हैं जो कि काट रही हैं, ये छोटी छोटी रेखाएं अगर किसी के अंगूठे में बनती हैं तो ये यहाँ पर ये बताती चिंताएं की रेखा होती हैं, काम बनते बनते इनका बिगड़ जाता होगा, काम में रुकावटें काफ़ी ज़्यादा आती होंगी, ऐसा है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर बुद्ध माउंट की। बुद्ध माउंट इनका काफ़ी अच्छी पोजिशन पर है और काफ़ी उठा हुआ भी पोजिशन पर है इनका बुद्ध माउंट। इनके बुद्ध पर्वत पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक रेखा इस तरीके से निकल रही है और यूँ कट रही है, वाई की आकृति की दिख रही है, ठीक है। इन्होंने काम भी स्टार्ट किया होगा, पार्टनरशिप पे काम करके इन्होंने छोड़ा भी है, तभी डिवाइडेशन का भी पार्ट मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जिस तरीके से इनकी जो मैरिज की जो लाइन है, मैरिज की लाइन में इनकी एक दूसरी पिक भी है, उसमें मैं दिखाना चाहूँगी मैरिज की लाइन इनकी। यहाँ पर देखिए ये इनके जो है हाथ में, इनके लेफ्ट हैंड में ये मैरिज की लाइन मैं देख रही हूँ, जिस तरीके से ये काफ़ी लंबी है मैरिज लाइन और दो मैरिज लाइन इनका यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है। और ये जो कुछ रेखाएं और भी हैं जो निकल रही हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये जो रेखाएँ एक ऊपर से भी, इस पर एक रेखाएँ ऐसे भी निकल रही है, इनका काफ़ी ज़्यादा पार्टनर से जो है रिलेशन भी रहा होगा क्योंकि शुक्र पर्वत में जिस तरीके से देख रही हूँ, चर्चा करूँगी आगे बताऊँगी। लेकिन अभी यहाँ पर मैरिज लाइन की बात कर लेते हैं, मैरिज लाइन की यहाँ पर देख रही हूँ कि इनकी मैरिज काफ़ी ज़्यादा लंबी है, लंबी होने के साथ साथ कुछ रेखाएँ हैं जो ऊपर से भी निकल रही हैं, टच कर रही हैं, नीचे से भी हैं, ऐसे जातकों के ज़्यादा लॉन्ग टर्म के रिलेशन में रहना पसंद नहीं करते हैं ऐसे जातक, कुछ टाइम के लिए रहते हैं, 6 महीने के लिए, साल 2 साल के लिए किसी पार्टनर के साथ रहते हैं, उसके बाद में उनसे दूरियां बनाने में ही इनको काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी आती है, लॉन्ग टर्म का रिलेशन इनको अच्छा नहीं लगता ऐसे जातकों को, ठीक है। बट लेकिन इनका जब
मैरिज का जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, मैरिज होने के अभी काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम लगेगा। इनकी मैरिज की लाइन जो मेन लाइन है, मान के चलूँगी ये लाइन है जो ऊपर वाली है, मैरिज इनकी मान के मैं ये चलूँगी, इनकी मैरिज जो है 32 से 34 के बीच में मैरिज होने के पूरे पूरे चांसेस बनेंगे, उस टाइम पे योग बनेगा। अभी फ़िलहाल मैरिज का इनका कोई भी योग नहीं है। ठीक है, आगे चलते बात कर लेते हैं यहाँ पे इनके सन माउंट की, यहाँ पर सूर्य माउंट की। सूर्य माउंट पे काफ़ी अच्छी रेखाएं हैं, बिल्कुल यूँ निकल रही हैं इनके हथेली पर, जैसे कि देखने को भी मिल रही हैं, पूरा बहुत अच्छी आकृति में मिल रही हैं। सूर्य माउंट में एक छोटी सी मछली की आकृति भी बन रही है यहाँ पर, इसको मैं फिश शाइन बोलूँगी, फिश शाइन भी निकल रही है यहाँ पर, और एक रेखा इधर जो है शनि माउंट की तरफ भी जा रही है। ठीक है, शन माउंट पे मैंने इनका बताया है कि इनका बिजनेस है, पार्टनरशिप में भी इन्होंने बिजनेस किया था, छोड़ दिया है, बट लेकिन आगे चल करके इनको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मछली है, मछली का जो इनको फल जो मिलेगा अप्रोक्स यहाँ से, क्योंकि एक रेखा ऐसे भी निकल रही है पूरी, इनके मंगल के पर्वत से भी आ रही है, ठीक है, जो इनके लाइफ लाइन को क्रॉस करते हुए निकल रही है, मछली के पास जा कर के टच भी करी है। ठीक है, अप्रोक्स इनको जो है, इनका जो बिज़नेस है इसी मछली की वजह से ही इन्होंने कम उम्र में अपना बिज़नेस स्टैंड कर लिया है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इनकी जो उम्र है, इनकी 25 है, ऊपर से काफ़ी करोड़ों का इनका ट्रांजेक्शन भी होता है, डेली लाखों लाखों का इनका ट्रांजेक्शन भी होता है इनके बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो जो इनको इतनी कम उम्र में जो नेम फेम मिला है वो इसी ये जो मछली इनकी हथेली पर बनी हुई है इसकी वजह से ही इनको मिला है, और मछली बहुत कम लोगों की हथेली पर देखने को मिलता है, ख़ास तौर से सन माउंट में क्लियर मछली देखना मुमकिन नहीं होता है, बहुत कम लोगों के हाथ में देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर शनि माउंट की। शनि माउंट इनका काफ़ी अच्छी पोजिशन पर नहीं है, काफ़ी दबा हुआ पोजिशन पर है शनि माउंट, लेकिन शनि माउंट पे एक ये फिर से एक यहाँ पर थोड़ी सी मुझे क्रॉस, एक स्क्वायरिस का साइन देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे ये साइन काफ़ी अच्छा है, एक ये साइन देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, एक ये ऐसा फ्लैग टाइप का भी एक साइन देखने को मिल रहा है इनकी हथेली पर, छोटा सा है, काफ़ी अच्छी पोजीशन पर भी है, ठीक है, जितना भी नेम फेम इनको मिल रहा है सूर्य और शनि की वजह से ही मिल रहा है। शनि जिस जातक का कलयुग में अगर शनि अच्छा है तो व्यक्ति करोड़ों का मालिक भी बन सकता है, शनि संघर्ष भी करा देता है, अर्श से फर्श में भी ले आता है, ये भी बात है। ठीक है, तो शनि का अच्छा होना इनका पूर्व जन्म का ही कोई प्रताप होगा, तभी इसी वजह से ही इनका शनि माउंट काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। ठीक है, बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं बृहस्पति माउंट की तरफ बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर जिस तरीके से इनका बृहस्पति माउंट में देख रही हूँ, बृहस्पति माउंट में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएं हैं जो कि बताती है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया, लेकिन फैमिली के प्रति इनका जो है रुझान काफ़ी ज़्यादा रहता है। काफ़ी सारी रेखाएँ काट रही हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएं काट रही हैं, बृहस्पति अच्छी पोजीशन पर नहीं है, जिसकी वजह से इनकी जो है शादी में भी इनका डिले हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे जातकों को जो है बिजनेस में यहाँ पर जो जिस तरीके से हार्ट लाइन है दोनों के, यहाँ पर शनि फिंगर और बृहस्पति फिंगर के दोनों के बीच से ये कटान हो रहा है। ठीक है, बीच से कटान हो रहा है। दूसरी बात यह है कि बृहस्पति माउंट अच्छी पोजिशन पर नहीं है, बिजनेस में कुछ ना कुछ उतराव चढ़ाव लगा रहता होगा, और कुछ ना कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि बड़ा नुकसान भी हो जाता होगा, ऐसी बात भी है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ऐसे जातक को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि काफ़ी सारी रेखाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जो कि यहाँ फिंगर से भी चल रही हैं, काफ़ी सारी रेखाएं, गुस्सा जातक को काफ़ी ज़्यादा आता है। ऐसे जातकों को जो है सुनाने की आदत होती, सुनने की आदत नहीं होती है, काम में जो है लोगों का पैसा भी मार देते हैं ऐसे जातक, पैसा मारने की भी आदत होती है कि जिसको भी सामने वाले पार्टी को अगर टेंडर पास कराएंगे, कुछ भी देंगे, अगर चार बंदे नीचे डलवा के अगर काम भी करवाते हैं, ग्रुप वाइज काम भी करवाते हैं, तब भी ऐसे जातक जो है पैसा मार लेते हैं लोगों का। ठीक है, यहाँ पर जो कि देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छी पोजीशन पर देखने को मिल रहा है। हम लोग जो कर्म करते हैं, ठीक है, 6-6 महीने में हम लोगों की रेखाएँ बनती बिगड़ती रहती हैं, जो कर्म के अनुसार हम लोग जो भी कर्म करते हैं वो रेखाएँ बनती बिगड़ती रहती हैं, खुद ही नज़र आ जाता है हथेली पर,
ठीक है, तो इसीलिए समुद्र के साथ में रेखाओं का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है, प्रभाव है। ठीक है, चलिए आगे चल बात कर लेते हैं यहाँ पर इनके शुक्र माउंट की। शुक्र माउंट में यहाँ पर आप लोग देखिए कि शुक्र माउंट बहुत अच्छी पोजीशन पर है, बट लेकिन शुक्र माउंट के साथ साथ एक यहाँ पर एक ब्लैकनेस रेडनेस टाइप का एक ये धब्बा टाइप का है। ठीक है, एक ये देखने को मिल रहा है जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा इसके दुष्प्रभाव इसको देखने को मिलेंगे इनको। ठीक है, दूसरी बात ये कि काफ़ी सारी रेखाएँ जो है काट रही हैं इनके, इनका हेल्थ काफ़ी अच्छा नहीं रहता होगा। जितना पैसा कमाते हैं सब इनका डॉक्टर के पास जाता है, और अधिक से ज़्यादा ये जितने पैसे वाले हैं इनके पास इतना पैसा आता है, पैसे के साथ साथ इनका अधिक से ज़्यादा पैसा इनका जो है डॉक्टर के पास भी जाता है। जितना ये कमाते नहीं हैं उससे कहीं ज़्यादा इनका पैसा डॉक्टर के पास भी जाता है। घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार भी पड़ा रहता होगा इनकी फैमिली में, काफ़ी ज़्यादा उलझने भी रहती हैं, ऐसी बात भी है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आगे भी अगर ये सचेत नहीं हुए, ठीक है, मैं कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी। जो रेमेडीज़ मेरी होती वो डिफरेंट होती, प्लैनेट के अकॉर्डिंग मैं करवाती हूँ। ठीक है, तो रेमेडीज़ मेरी अलग होती हैं, वो मैं इनको बाद में बता दूंगी इनको कि रेमेडीज़ क्या क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर शुक्र माउंट केवल बहुत अच्छा है, इनको जो है अधिक से ज़्यादा ऐसे जातकों के जो है फीमेल पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा संबंध भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन गुपचुप तरीके से रहते हैं, जो इनकी जब होने वाली जो पार्टनर होगी उनसे ये बातें कुछ छुपा भी सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर इनकी माइंड लाइन में चेक करूँगी। जो माइंड लाइन है यहाँ पर देखिए, इनकी जो माइंड लाइन है एक ये रेखा काट रही है, ऐसे जो इनकी लक लाइन चली है यहाँ पर, लक लाइन ये देखने को मिल रही है। दूसरी बात ये कि इनकी हथेली पर काफ़ी अच्छा एक फिश देखने को मिल रहा है, राहु के माउंट में फिश देखने को मिल रहा है, और इतनी बड़ी की फ़िश मैंने कहीं नहीं देखी किसी के हथेली पर, बहुत कम लोगों के हाथ पे बनती है इतनी बड़ी की फ़िश। और जो इनका बैकग्राउंड जो है काफ़ी अच्छा रहा होगा, क्योंकि राहु पर्वत पर अगर मछली हो जाए, छोटी सी मछली देखने को मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती। यहाँ पर इतनी बड़ी की जो मछली है आपको देखने को मिल रही, राहु के माउंट में इतनी बड़ी की मछली, रेयर केसेस में आपको इतनी बड़ी की मछली देखने को मिलेगा। ठीक है, और बहुत साफ़ सुथरी मछली है। ठीक है, इनकी हथेली पर ये जो चाहेंगे उतना पैसा था पैसा इनके पास आएगा, दो नंबर का भी पैसा आएगा, राहु महाराज इनको दो नंबर का भी पैसा दिलाएंगे। दूसरी बात, इनकी ये जो जीवन रेखा है ऐसे चल रही, और जीवन रेखा पे एक ये मछली से ही सट के एक ऐसा ये भी देख रहा है, एक ये ट्रेंगल भी देखने को मिल रहा है, जो कि प्रॉपर्टी वगैरह का भी योग यहाँ पर दिखा रहा है कि प्रॉपर्टी वगैरह भी ऐसे जातकों के पास काफ़ी रहती हैं, खुद के नाम से नहीं लेते हैं, दो नंबर का पैसा रहता है, नौकर चाकर जो इनके विश्वसनीय जो कर्मचारी होते हैं उनके नाम से भी प्रॉपर्टी लेकर के भी डाल देते हैं, सिग्नेचर वगैरह करवाते रहते हैं। केवल ऐसे जातक बहुत ज़्यादा दिमाग के बहुत ज़्यादा धनी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर इनके बुध पर्वत काफ़ी अच्छी पोजिशन पर है, इसीलिए से ऐसे जातक डबल ट्रिपल पैसा बनाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होते हैं। दूसरी बात, इनके यहाँ पर चंद्र पर्वत में देख रही हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर इनके ये जो चंद्र पर्वत का इतना एरिया है वो भी काफ़ी अच्छा है, उठा हुआ है, मन इनका इधर उधर भटकता नहीं, मन इनका बहुत ज़्यादा एकाग्र रहता है, अधिक ज़्यादा काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा एकाग्र रहता है इनका माइंड। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये पोजिशन मैं देख रही हूँ, यहाँ पर केतु महाराज का पोजिशन मैं देख रही हूँ, इनके पास अकूत संपत्ति है, पैतृक संपत्ति भी होगी, बट लेकिन ये पूरे अपने जीवन में पूरी लाइफ में जब मात खाएंगे तो बीमारी से लेकर के ही ये मात खाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर डॉट देखने को मिल रहे हैं, जो शुक्र पर्वत पर काफ़ी सारी रेखाएं काट रही हैं वो भी अच्छी पोजीशन पर नहीं है। ठीक है, इनको स्किन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है ऐसे जातकों को, और अधिक से ज़्यादा कोई ना कोई बीमारी, इनकी एक बीमारी ठीक होगी दूसरी बीमारी पकड़ लेगी। अधिक से ज़्यादा ऐसे जातकों को जो पैसा रहता है वो डॉक्टर के पास ही जाता है। ठीक है, क्योंकि राहु काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है मैंने बताया, तो पैसा जब आएगा दो नंबर का पैसा आएगा तो पैसा जाएगा भी कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इनका यहाँ पर हार्ट लाइन का। हार्ट लाइन यहाँ पर देखना चाहेंगे, यहाँ पर हार्ट लाइन में यहाँ पर कुछ रेखाएं क्लियर नहीं हैं, फिर हार्ट लाइन ऐसे चल रही है, ऊपर जा रही है हार्ट लाइन इनकी, हार्ट लाइन इनकी ऊपर जा रही है, हार्ट लाइन में ही एक लाइन इधर से आ रही है, निम्न पर्वत से भी आ रही है। ठीक है,
जो कि यहाँ पर भी काफ़ी जो है संकेत दे रही है, काट रही है, क्योंकि जो कि ये जो लाइन इनको मंगल से सपोर्ट मिला है और इनको उस टाइम पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा नेम फेम भी आपको मिला होगा। ऐसा अप्रॉक्स 22 की एज में काफ़ी ज़्यादा जब बिजनेस आपने डाला होगा तभी आपको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम आपको मिला होगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं जो कि काट रही हैं, अच्छी पोजीशन पर नहीं दिख रही हैं हथेली पर। यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं यहाँ पर थोड़ी सी मोटी है, यहाँ पर ये रेखाएं ऐसे ऐसे निकल रही हैं, ठीक है। ये बताता है कि स्टार्टिंग में कॉलेज लाइफ में इन्होंने कम उम्र में ही एक तो बिज़नेस संभाल लिया, दूसरी बात ये है कि कॉलेज लाइफ में इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा इनको फ्लर्ट करने की भी आदत होगी, लड़कियों को फ्लर्ट करने की ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है। और कभी कभी ऐसी भी इच्छाएँ आ जाती हैं कि मैंने देख लिया है तो मतलब ये मतलब मेरे साथ ही मतलब इसके साथ मतलब कंप्रोमाइज़ कर सके इस बंदी के साथ, तो ऐसा भी जातकों के साथ बहुत होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं इनके माइंड लाइन की। माइंड इनका काफ़ी ज़्यादा शार्प है, ठीक है। हार्ट में इनका यहाँ पर हार्ट लाइन से तो यही केवल पता चल रहा है कि अपनी फैमिली के प्रति काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं और फैमिली में कोई भी आँच आए तो ये इनको बर्दाश्त नहीं होता ऐसे जातकों को, और पूरा कंसंट्रेशन बिजनेस की तरफ ही रहता है, ठीक है। आगे चल करके थोड़ा सा जो है क्योंकि शनि पर्वत पे जा करके जो है ईंड भई है इनकी, ठीक है, शनि और गुरु के पर्वत में जा करके ईंड भई है, ऐसे लोगों को लंग्स में पानी भरने की प्रॉब्लम्स, चेस्ट में पानी भर जाना, ठीक है, चेस्ट में पेन होना, इससे रिलेटेड आगे चल करके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी रेखाएँ भी यहाँ यहाँ काट रही हैं जो कि साफ़ सुथरी दिख रही हैं, ठीक है। अप्रोक्स इनकी उम्र देख ले तो इनकी उम्र तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, इनकी जो उम्र है यहाँ पर जिस तरीके से इनकी जो पूरी है लाइफलाइन है, लाइफलाइन के अकॉर्डिंग इनकी जो उम्र है 92 प्लस तो है ही है, इनकी उम्र 92 प्लस है, ऐसा है, ठीक है, 92 इनकी एज रहती है ऐसे जातकों की। दूसरी बात यहाँ पर इनकी माइंड लाइन में देख रही हूँ, माइंड इनका काफ़ी ज़्यादा शार्प है, जैसे कि मैंने बताया है कि माइंड लाइन इनकी जो चली है यहाँ पर जिस तरीके से देखने को मिल रही, इनकी लाइफ में संघर्ष तो रहा ही नहीं है। संघर्ष जैसे एक टाइम पीरियड पे संघर्ष आता है, संघर्ष इनको देखने को नहीं मिला है, काफ़ी अच्छा रहा है। स्टडी में थोड़े बहुत विघ्न आए होंगे, थोड़ी सी कुछ रेखाएँ हैं स्टडी में थोड़ी बहुत विघ्न आया होगा स्टार्टिंग में पढ़ाई में लेकर के, लेकिन पढ़ाई में ऐसे जातकों की रुचि कम रहती है, ऐसी बात भी है। इनकी माइंड लाइन काफ़ी ज़्यादा शार्प है और एक रेखा इस तरीके से काट भी रही है, ये रेखा काट रही है अलग से बिल्कुल, जो कि दिख रही है साफ़ सुथरी दिख रही है, ये रेखा काट रही है, ठीक है। अधिक से ज़्यादा इनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन बिजनेस की तरफ रहता है और बिजनेस से जब ये फ्री होते हैं तो पार्टी वगैरह घूमना फिरना ऐसे जातकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, ये भी बात है, ठीक है। आशा करती हूँ आज का विषय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नमस्कार, राधे राधे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब किया करिए और वीडियो पूरा देखा करिए ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आए। जो लोग भी अपने हैंड का प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, हैंड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, दोनों हाथों का फोटो खींच करके व्हाट्सएप में आप लोग सेंड कर सकते हैं, फिर मैं एनालिसिस करके आपको बताऊँगी, ठीक है। और हैंड एनालिसिस वीडियो चार्जेस भी यहाँ पर शो हो रही है, अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं हैंड का तो उसका फ़ीस 1500 रुपये है। फीस आप लोग गूगल पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, ठीक है, बैंक में भी डिपॉजिट कर सकते हो, सारे ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ। और ओनली हैंड एनालिसिस करवाना है, हाथ का ही केवल विश्लेषण करवाना है तो उसका फ़ीस हमारे यहाँ 500 रुपये है केवल, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे जा करके देख सकते हैं। नमस्कार, राधे राधे। कोई भी इंक्वायरी से नीचे कॉमेंट में आप लोग कॉमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आपको आज का विषय अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिख दिया करिए।